क्या हो गया भाई साहब? रास्ता क्यों रोक रखा है? देवान सिंह जी, अरे काका जल्दी रखो रखो गाड़ी। हम गाड़ी से बाहर क्यों आ गए? हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे बात कर लेते। क्या ये सब? अरे कमाल है, आपने उदयपुर का नाम ऊंचा किया है, इतना बड़ा अवार्ड जीता है, आपको बधाई भी नहीं देखा। पॉइंट पर आइए मिनिस्टर जी। असल में बात ऐसी है कि पिछले 6 महीने से आपकी माता जी चंद्रिका देवी जी से बातचीत चल रही है, वो टेंडर वाली डील के लिए, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं, मतलब समय बर्बाद ही हुआ। तो हमने सोचा कि हम लोग हम उम्र हैं, अगर एक साथ बैठ करके बात करेंगे तो किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंचेंगे, है ना? लेकिन डील करने से पहले ऑडिट रिपोर्ट बनाना जरूरी है, पता तो चले आप किसी काम के हैं भी या नहीं। एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग, अरे कुछ भी कहिए। हनुमंत काका से अपनी बदतमीजी की माफी मांगिए। सॉरी सॉरी सॉरी, लगी तो नहीं दिखा? नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी ना। सॉरी मिनिस्टर जी, मुझे आपके माफी मांगने का तरीका पसंद नहीं आया। नो डील। काकू, इनके तोहफे लौटा दीजिए, किसी और को खरीदने के काम आएंगे। और हाँ, अगली बार डील करने से पहले रिसर्च करके आइएगा। पूरे उदयपुर को पता है मासा का लिया हर फैसला मेरे लिए आखिरी फैसला है। कमाल करते देवान सिंह जी, बात ऐसी करिए जो हजम हो जाए। आपकी माता जी कहेंगे कि सांस लेना छोड़ दीजिए तो छोड़ देंगे। हाँ, मासा ने अगर ऐसा सोचा भी तो वो सांस देवांश सिंह चौहान की आखिरी सांस होगी। छोटा चौहान भी अपनी मां की तरह जिद्दी निकला, बात बनी नहीं, प्लान बी एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।